सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ रेमेडी सूट नहीं करती हैं, जिनको रेमेडी सूट करती हैं, क्योंकि मतलब किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है तो वो उसमें नहीं ले सकते। जैसे कुछ लोग नींबू नहीं ले सकते, कुछ लोग अदरक प्रेफर नहीं कर सकते, लेकिन आज की ये जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ये हर कोई प्रेफर कर सकता है। बस जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इसे ना लें, और साथ ही साथ जो माताएं स्तनपान कराती हैं यानी कि फीडिंग कराती हैं अपने बच्चे को, वो इसे ना लें, और हर कोई इसे ले सकता है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए आपको औसम से भी औसम रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज जो जितने लोग भी मेरे बैच में हैं इस समय उनको मैंने ये चीज़ सजेस्ट की है, और 1 वीक में उन्होंने काफ़ी बेहतर और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं। और सबका कहना है कि ये रेमेडी आप YouTube पे भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी रेमेडी ऐसी होती हैं जो मुझे चेक करना पड़ता है, उसके बाद देखना पड़ता है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट है वो मतलब किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को PCOD है, बहुत तरह के हैं, तो सबको हर चीज़ नहीं बताई जा सकती है। जैसे कि थायराइड पेशेंट को मैं अलग तरह से ट्रीट करती हूँ, शुगर पेशेंट को मैं अलग तरह से ट्रीट करती हूँ, तो सबका जो है लेवल अलग अलग होता है। लेकिन ये जो है, ये जो मैं आज आपको बताऊँगी, ये मैंने सबको बोला। बस वैसे भी जो मोस्टली मेरे पास वो लेडीज़ भी आती हैं जो फीड कराती हैं, बोलती हैं कि हमें भी कुछ ऐसा बताइए। तो फिलहाल तो मैंने आप लोगों के लिए भी बेहतर बताया, और मैंने आप लोगों के लिए भी क्या फीडिंग डाइट प्लान भी आप लोग साथ यूट्यूब पे शेयर किया है, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे वेट लॉस के, उसमें मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं नीचे से, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक दिया हुआ है, क्योंकि इस समय आपको काफ़ी हेल्दी खाना है, वो सारी उस पर बातें होंगी। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैंने सबको ये बोला और सबको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया मेरे पास इसका, तो मैंने सोचा आप लोग साथ भी शेयर करें, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए एक पैन, कोई भी पैन ले लीजिए, और एक ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी, यानी मैं बोलूँ तो 350 ml आपको वाटर चाहिए। नॉर्मल जो घर का ग्लास होता है वो 250 ml होता है, और उसमें 100 ग्राम आपको एक्स्ट्रा पानी लेना है, उसे गैस पे चढ़ाना है, जब वो हल्का सा गुनगुना हो जाए, गुनगुना इन द सेंस अगर बबल्स आने लगे तो ज़्यादा बेटर है, वरना जब उसमें से धुआं उठने लगे, और शुरुआत में आप गैस की फ्लेम तेज रखेंगे। इसके बाद आपको इसमें डालना है नीम का पाउडर, जो ऑलरेडी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है अपने चैनल पर, अगर हो सकेगा तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, तो आपको वो देख लीजिएगा जाके कैसे घर में बनाना है, और आपको अच्छे से इसे बॉयल कर लेना है, और बॉयल करने में आपको विद इन 1 मिनट लगेगा, तो अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें बॉयल होने में अच्छे से मिल जाए, चम्मच जब पाउडर डालिएगा तो मतलब ये है कि उसमें रह ना जाए, बॉयल अच्छे से हो जाए, और उसके बाद आपको इसे एक ग्लास में ले लेना है, स्ट्रेन नहीं करना है, और इसी तरह आपको सुबह इसे खाली पेट गुनगुना, यानी गर्म जितना हो सके, जितनी आप चाय पीते हैं उतना गुनगुना तो इसे पीना है, और उसके बाद आप देखिएगा अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे, और आप काफी वेट लूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखा बहुत ही आसान, आई थिंक आप सबके घर में अवेलेबल होगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो थोड़े दिन वेट करिए, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इसका पाउडर, जैसे मैंने बहुत पहले ही आप लोगों के साथ इसका रेसिपी भी शेयर की थी कि मैंने किस तरह से लीव के से पाउडर बना के अपने घर में स्टोर किया, तो वो भी कर सकते हैं, और काफ़ी पॉजिटिव और स्किन ग्लो में भी काफ़ी हेल्प करेगा। और मैं रेगुलर बेसिस पे तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हर 3 महीने में मैं इसे ले लेती हूँ अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।